बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने केबीसी सीजन 11 के दौरान एक बेहद शॉकिंग बात बताई है। ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस बी पर एक डिस्कशन के दौरान अमिताभ बच्चन ने याद किया कि कैसे केबीसी के पहले सीजन के दौरान उनकी गलतफहमी उनके लिए परेशानी का सबब बन गई थी। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीजन के दौरान ही अमिताभ को पीठ में दर्द होता था और उन्हें लगता था कि अपनी कुर्सी की वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है, लेकिन वजह कुछ और ही थी। अमिताभ बच्चन ने इस बार में बात करते हुए कहा था कि पहले साल जब मैंने केबीसी शुरू किया उस दिन से मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ, ये स्पाइनल टीबी था, पता ही नहीं चला और 3 साल 4 तक वो दर्द में सहता रहा और मैं सोचता था कि वो कुर्सी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो असल में ट्यूबरक्लोसिस था और इसका डिटेक्शन 4-5 साल बाद हुआ। उसके बाद मैंने इलाज कराया और ठीक हो गया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ और मैं टीवी फ्री हूँ तो वो इस वजह से, क्योंकि मैंने सही समय पर अपना इलाज करा लिया था। उन्होंने उस दौर को भी याद किया जब 1982 में फिल्म कुली के दौरान लगी चोट के चलते 200 लोग उन्हें खून देने पहुंचे थे और फिर उन्होंने 2006 में ये शेयर किया था कि उन्हें हेपेटाइटिस बी की समस्या से जूझना पड़ा है। गौरतलब है कि केबीसी के 11वें सीजन के पहले करोड़पति सनोज राज रहे। सनोज बिहार से ताल्लुक रखते हैं। 15 सही सवालों का जवाब देकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। इस तरह से केबीसी के सेट पर बिहार का टैलेंट को एक बार फिर चमका है। बता दें कि केबीसी में बिहार के ही सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं।